हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आर्ट्स गार्डन में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फिर से मेरे बोड़ी के पौधे पे ब्लैक एफिड्स का अटैक हो चुका है। सुबह जब मैं बोड़ी तोड़ने के लिए आई तो मैंने देखा, अगर इसे इग्नोर किया तो ये इतनी तादाद में अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जब पिछली बार मैंने कुछ लापरवाही की, कुछ इग्नोर किया तो पूरे पौधे पे ये फैल गए थे। अभी तो इनकी शुरुआती स्टेज है, अभी कुछ कुछ ही डंडियों में और कुछ फूलों और फलों पे आए हैं। ये देखिए, शाम होते होते ये इनका प्रकोप देखिए थोड़ा और बढ़ गया। तो देखिए कैसे किस तरीके से ये फूलों पे इस तरीके से अटैक करते हैं कि उसके रस को ही चूस जाते हैं और फिर वो उसे फल अच्छे से स्वस्थ रूप से फल नहीं बन पाता। तो चलिए, इसका कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। पिछले बार तो मैंने किया था, देखिए टिप पे बॉडी के प्लांट के जो टिप है उसके जो अभी कली जो खिली भी नहीं है उस पर भी दो महानुभाव बैठे हुए हैं और ये सुबह तक और ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए इनका कुछ इलाज किया जाए। पिछले बार थोड़ा थोड़ी लापरवाही हुई थी तो मुझे 3 बार स्प्रे करने पड़ा, लेकिन इस बार मैं लापरवाही नहीं करूँगी क्योंकि पिछली बार करने के बाद स्प्रे करने के बाद मैंने 5-7 बार बोड़ी स्वस्थ रूप में तोड़ा। और अभी देखिए, अब मेरे हस्बैंड हैं ये स्प्रे करने जा रहे हैं, वही अपने पुराने फॉर्मूला कपड़े धोने के बाद जो सर्फ का पानी गंदा सा बच गया उसे ही स्प्रे में डाल के अब स्प्रे किया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसका तत्काल क्या असर होता है वो भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि ये एक बार न जाए, एक बार में स्प्रे करने से कुछ खास असर न करे, लेकिन दूसरी बार तो पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाएंगे। लेकिन मैं अभी तुरंत दिखाती हूँ टॉर्च की रोशनी, इसका मोबाइल का टॉर्च जला के ये देखिए, हो गया ना कम, देखिए सभी जगह से बहुत कम हो गया है। देखिए यहाँ पर भी बैठे हुए थे, सो कम हो गया है। फिर भी एक बार और स्प्रे करूँगी तो पूरी की पूरी इंसेक्ट हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी आजमा के देख लीजिए, ये टेक्निक अच्छी लगे अगर तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।